हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ सर्दियों की फेमस मटर की कचौड़ियाँ। जी हाँ दोस्तों, ये खस्ता कचौड़ियाँ हैं, इसे आप घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए आज ये रेसिपी हम देखते हैं। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे प्लीज़ 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 लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ज़रूर कंसिडर करें। तो चलिए रेसिपी देखते हैं। तो यहाँ पे इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें कुछ खड़े मसालों को भूनना है। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच साबुत धनिया लिया है, 1 बड़ा चम्मच मैंने सौंफ ली है, और साथ में हम लेंगे कुछ काली मिर्च के दाने और 2 लौंग। अब इसे हम धीमी आंच पर 1 से 2 मिनट के लिए भून लेते हैं। तो ये स्टेप करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, ये इससे एक बहुत अच्छा अरोमा आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने मसाला भूनकर तैयार कर लिया है। अब इसे हमें कोर्सली ग्राइंड करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे बिल्कुल दरदरा पीसा है, बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाया है। साथ में उसी मिक्सर जार में हम डाल देंगे 1 कप मटर, ये फ्रेश मटर है, और इसे भी हम दरदरा पीस कर तैयार कर लेंगे। हमें इसका भी पेस्ट नहीं बनाना है, हमें इसे भी दरदरा ही पीसना है। तो इसमें डालने के लिए हमें एक अदरक हरी मिर्च भी चाहिए होंगी, जिसे मैंने इसमें साथ में नहीं पीसा है, मैं उसे कूट कर डालूंगी। आप चाहे तो इस वक्त उसको साथ भी डाल सकते थे, या आप इसे बारीक काट कर भी डाल सकते हो, पर मैं इस तरीके से कूट कर डालना पसंद करती हूँ, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैंने अदरक हरी मिर्च को कूट कर तैयार कर लिया है। तो चलिए हम आगे का प्रोसेस अब शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच तेल के ले लिए हैं, ये रिफाइंड ऑयल है, और तेल गर्म हो चुका है। उसमें मैं डालूँगी 1/2 छोटी चम्मच जीरा, और साथ में डाल दूँगी हींग। तो अब इसे एक बार हम इस तरीके से चला लेते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे अदरक हरी मिर्च, जिसे हमने कूट कर तैयार किया हुआ था, उसे भी हम कुछ सेकेंड्स के लिए चलाएँगे। अब साथ में हम इसमें डालेंगे वो मसाला जिसे हमने दरदरा पीस कर तैयार किया हुआ था, इसे भी हम कुछ सेकंड्स के लिए भून लेंगे, इसे भी हमें ओवर कुक नहीं करना है। अब इसमें हम डाल देंगे जो मटर हमने पीस कर तैयार किए हुए थे। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से भूनना है, जब तक कि मटर बिल्कुल हमारे ड्राई ना हो जाए, ये मसाला हमारा ड्राई ना हो जाए। तो हमें इसे धीमी आँच पर लगातार भूनते रहना है। अब इसमें हम मिलाएँगे स्वाद के अनुसार नमक। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ही डालें, उसे भी अच्छे से मिक्स कर लें। यहाँ पे देख सकते हैं आप, मसाला ऑलरेडी सूखा सूखा हो चुका है। तो इसी वक्त हम इसमें मिलाएंगे 1 बड़ा चम्मच यानी कि 1 टेबलस्पून बेसन, और उसे भी हम धीमी आंच पर कुछ मिनट के लिए भून लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाला ऑलरेडी कितना टेम्पटिंग लग रहा है। अब हम इसमें आखिर में डालेंगे थोड़ा सा गर्म मसाला, और उसे भी हम मिक्स कर लेते हैं। आप देख सकते हैं मसाला बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो अब हम गैस को यहाँ पे बंद करते हैं। और ऊपर से हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, जिससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इस मसाले में। तो यह हमारा मसाला बनकर तैयार हो चुका है दोस्तों। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ड्राई बनकर तैयार हुआ है, हमें बिल्कुल ऐसा ही मसाला चाहिए। तो आप चाहें तो इसमें आप अमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे अमचूर पाउडर नहीं डाला है। तो चलिए जब तक मसाला हमारा ठंडा हो रहा है, हम इसके लिए आटा तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 कप मैदा, और साथ में मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा नमक, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने मैदा नमक मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे देसी घी। तो यहाँ पे मैंने 3 बड़े चम्मच देसी घी के लिए हैं दोस्तों। यहाँ पे आप रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल ना करें, घी का ही इस्तेमाल करें, जिससे ये कचौड़ियाँ बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होंगी। तो आप इस घी को इस आटे में अच्छे से मिक्स कर लें। आप देख सकते हैं इसमें एक बाइंडिंग आ गई है, तो हमें इसी प्रकार का टेक्स्चर चाहिए। तो चलिए अब हम आटा गूंदना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गुनगुना पानी लिया है, और इससे मैं आटा गूंदना शुरू करूँगी। तो आप थोड़ा थोड़ा पानी लेते जाएं, और इससे एक सेमी सॉफ्ट डो तैयार कर ले। हमें डो बिल्कुल हार्ड भी नहीं चाहिए और बिल्कुल सॉफ्ट भी नहीं चाहिए। हम जैसा डो मुझे हमें चाहिए, मैं आपको दिखाऊंगी आगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये डो बनाकर मैंने तैयार कर लिया है,
और आप देख सकते हैं ये ना तो बहुत हार्ड है और ना ये बहुत सॉफ्ट है। तो हमें इसी तरीके का डो चाहिए, तभी हमारी कचौड़ियाँ बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होंगी। तो अब इस डो को हम एक कपड़े से ढक कर 10 से 15 मिनट के लिए रख देते हैं। तो 10 से 15 मिनट के बाद डो हमारा थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है, तो इसे हम कुछ सेकेंड के लिए इस तरीके से नीड कर लेंगे। और अब हम इसके बनाएंगे बॉल्स। हमें जिस भी साइज़ की कचौड़ियाँ चाहिए उसी साइज़ के हम इसमें से बॉल्स बना लेंगे। तो आप इक्वल साइज के बॉल्स बनाकर तैयार कर लें और इस तरीके से इसे रोल कर करके इनके पेड़े तैयार कर लें। अब इन सारे बॉल्स को हम एक कपड़े से ढककर एक तरफ रखते हैं और ये मसाला भी हमारा ठंडा हो चुका है, तो हम इसके भी बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। तो जितने भी हमने आटे के बॉल्स बनाए हैं उतने ही हमें इस मसाले के बॉल्स भी बनाकर तैयार करने हैं। तो इस प्रोसेस को करने से कचौड़ियाँ बनानी बहुत ही आसान हो जाती है दोस्तों, फिलिंग हम बहुत ही ईजिली कर पाते हैं। तो हम इक्वल साइज़ के बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे बॉल्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इसमें से एक एक आटे की लोई इस तरीके से लेंगे और उसे कटोरी का शेप देने की कोशिश करेंगे। और बीच में रखेंगे हम एक मसाले वाला बॉल और उसे अच्छे से हम सील करेंगे। तो यहाँ पे हमें अच्छे से सील करना है दोस्तों, वरना फ्राई करते वक्त ये कचौड़ियाँ बिल्कुल फट जाएंगी और मसाला बाहर निकल आएगा। तो हमें इसे सील करना, बहुत अच्छे से सील करना इम्पॉर्टेंट है। तो आप इस पार्ट को बिल्कुल भी मिस ना करें, इसे अच्छे से करें। और अब हम इसे इस तरीके से रोल कर देंगे। यहाँ पे मैं मिनी कचौड़ीज बना रही हूँ तो मैं इसे बहुत ज़्यादा फ्लैटन नहीं करूँगी। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे फ्लैट करके थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं, पर मैं इसे इसी तरीके से छोटा छोटा बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं एक दूसरी कचौड़ी भी आपको करके बता रही हूँ। तो देखिए, आपको इस तरीके से इसे सील करना है और इसे आपस में मिलाते हुए इस तरीके से आटे को अंदर की तरफ ही टक कर देना है। तो इसी तरीके से आप सारी कचौड़ियाँ बनाकर तैयार कर लें उन्हें भरकर। तो यहाँ पे मैंने सारी कचौड़ियों को स्टफ़ करके तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम इन्हें फ्राई करना शुरू करते हैं। फ्राई करने के लिए हमें चाहिए बिल्कुल गुनगुना तेल। इस बात का आपको ख़ास ध्यान रखना है कि आपको तेज़ गरम तेल नहीं चाहिए, आपको बिल्कुल गुनगुना तेल चाहिए। और उसमें हम इन कचौड़ियों को डिप करेंगे। एक बार में हम 4 से 5 ही कचौड़ियाँ डालते हैं और उन्हें बिल्कुल धीमी आँच में दोस्तों, जो आपके पास सबसे छोटा बर्नर हो आप उसमें धीमी आंच में इन कचौड़ियों को पकाएं। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी, तभी ये बिल्कुल खस्ता बनकर तैयार होंगी। तो आप देख सकते हैं इनमें थोड़ा सा पिंकिश कलर आ चुका है, तो अब इन्हें हम पलट देंगे और इसी तरीके से उलट पुलट कर हम इनको बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक, यानी कि क्रिस्प होने तक इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको फिर से याद दिला रही हूँ कि इन कचौड़ियों को हमें धीमी आंच पर ही फ्राई करना है। और आप देख सकते हैं ये कितनी खस्ता और कुरकुरी देखने में लग रही है और ये कचौड़ियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं दोस्तों। तो इन्हें हम निकाल लेंगे और दूसरा बैच फ्राई करने के लिए आप तेल को एक बार फिर से ठंडा कर ले, यानी कि गुनगुना कर ले, और उसके बाद ही कचौड़ियों को दूसरा बैच आप इसमें फ्राई करें। इसी तरीके से आपको कचौड़ियाँ फ्राई करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी कचौड़ियाँ बनकर तैयार हो चुकी है, इन्हें हम तेल से बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखिए, अब मैं आपको इसे करीब से दिखाती हूँ ये कितनी खस्ता बनकर तैयार हुई है। इसकी आवाज़ की सुनिए, जिससे आपको पता चल रहा होगा ये कितनी खस्ता बनी है और कितनी फ्लेकी बनी है, आप देख सकते हैं। तो यकीन मानिए दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। और ऐसे ढेरों मज़ेदार रेसिपीज देखने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को टैप कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।